अस्सलाम वालेकुम, विनारिफ हेयर। और आज मैं आपको बताऊंगी कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। इसके लिए इनशॉट की एप्लीकेशन आप सबको सिखाई गई थी कि इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बेसिक आपको पहले सिखाए गए थे, अब इसमें आपको वीडियो एडिट करना सिखाऊंगी। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपने इनशॉट में जाना है, यहाँ पे वीडियोस को प्रेस करना है, न्यू को प्रेस करना है। आपके मोबाइल में जहाँ पे भी वीडियोस होंगी आप उसको करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के साथ ही आप टिक को कर देंगे और आपका वीडियो आपके इनशॉट के फोल्डर में आ जाएगा। अब जो वीडियो होती है उसको हमने एज इट इज कभी भी कहीं पे भी पब्लिश नहीं कर देना होता है, बिकॉज हमारा वीडियो जितना ज्यादा क्लियर होगा, अट्रैक्टिव होगा, टू द पॉइंट होगा, उतनी अच्छी आप एंगेजमेंट लोगों की उससे ले सकते हैं। और उससे आप अपने रिव्यू शेयर कर सकते हैं, अबाउट पर्सनल प्रोडक्ट रिव्यू बीइंग अ कस्टमर कर सकते हैं, बीइंग अ ब्रांड पार्टनर कर सकते हैं। हमें साथ प्रोडक्ट के यूजेस बताने होते हैं, फीडबैक बताना होता है, और वो तमाम ये चीज़ें करनी होती है। वीडियो होगा मेरा थोड़ा सा लेंथी और कंप्लीट देखना है, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर आपको तमाम इंस्ट्रक्शन मिल रही होंगी। मैंने वीडियो को सिंपली शूट किया था, बैकग्राउंड बनाया था अपने घर में, उसके साथ साइड डिकोर्स की थी, फ्लैश लाइट ऑन करके उसकी रिकॉर्डिंग की थी। हाउ टू रिकॉर्ड अ वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, फॉर बिगनर्स उसको शूट कर सकते हैं डिफरेंट एंगल्स में। वीडियो शूट करने के बाद हम उसको किसी भी वीडियो एडिटर में लेके जाते हैं। द मोस्ट फ्रेंडली एडिटर इज नाउ अ डे इज इनशॉट। उसमें मैंने आपको स्टार्ट में बताया कैसे लेकर आना है, और हर वीडियो का हमें कवर बनाना होता है। कवर हम इसके साथ ही इसकी पिक्चर को ले लेते हैं और वो कर लेते हैं, जैसे कि अब मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे लेफ्ट हैंड पे आपको एक प्लस का साइन मिलेगा, ये आप क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछेगा आपको कवर ब्लैंक फॉर्म में चाहिए, वीडियो या फोटो चाहिए। तो डेफिनेटली मुझे अभी फोटो चाहिए और मैं फोटो के साथ ही अपना कवर बनाऊंगी, और हम इसका पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे और ये हमारे स्टार्ट में आ जाएगी। इसके बाद हमारे से आप लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो कैनवस होगा। कैनवस मीन आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, नीचे आप देखें नो फ्रेम, आप कोई फ्रेम बैक पे नहीं करना चाहते, आपको इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंग साइज चाहिए, आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी के अकॉर्डिंग साइज चाहिए, आप यूट्यूब के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो यूट्यूब के लिए, एंड देन टिकटॉक और ये सब की कैनवस बोर्ड के साइजेस यहाँ पे आपको मिलेंगे। हमें क्योंकि मोस्टली इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे काम करना होता है तो हम नो फ्रेम के साथ चलते हैं, ताकि वो तमाम प्लेटफॉर्म्स पे फिट इन हो जाए। लेकिन जब थोड़ी सी हमारी लेंथी वीडियो हो रही होती है, लाइक इन शॉर्ट में हमारी लेंथी वीडियोज हो रही होती हैं, तो हम एक में नहीं चलते, फिर हम यूट्यूब का कैनवस बोर्ड सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि IGTV की लेंथ ऑलमोस्ट यूट्यूब के जितनी है। इन शॉर्ट, क्योंकि अब मैं इसको पोस्ट आप सबकी ट्यूटोरियल के लिए क्योंकि कर रही हूँ, सो आई विल चूज यूट्यूब। लेकिन आप अगर इंस्टाग्राम के लिए करना चाह रहे हैं तो इंस्टाग्राम को चूज करेंगे, फेसबुक के लिए करने चाह रहे हैं तो आप फेसबुक के अकॉर्डिंग साइज को करेंगे। कैनवस इसमें आपका इनलार्ज और जूम इन जूम आउट हो जाता है। आप इसको पिंच इन करेंगे ये स्मॉल हो जाएगा, आप इसको पिंच आउट करेंगे ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है। और इस तरह आप अपने नो फ्रेम में के साइज में ही चलेंगे, क्योंकि मुझे बैक का कोई फ्रेम नहीं चाहिए, आई वॉन्ट माई वीडियो टोटली क्लियर। उसके बाद पिक्चर मेरी क्योंकि क्लियर है, हम वीडियो पे आएंगे और वीडियो की थोड़ी सी क्रॉपिंग कर लेंगे, जो कि मुझे साइड पार्ट्स नहीं चाहिए। यहाँ से आप एक्स्ट्रा पार्ट्स को क्रॉप कर लेंगे, आप ऊपर नीचे से भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि टू द पॉइंट रिकॉर्ड किए थे, मुझे ज्यादा एडिटिंग की
जरूरत इसमें नहीं है। इसको फिर आप साथ ही रन करके देखें कि क्या आपकी वीडियो में जो प्रोडक्ट आपने ली थी क्रॉपिंग में ठीक आ रही है, क्योंकि अभी ज़्यादा ही छोटी हो गई है। तो मैं क्या करूँगी, इसको बड़ा ही कर दूँगी और जाके कैनवस को थोड़ा सा छोटा कर दूँगी ताकि मेरा जो वीडियो है उस पर प्रॉपर नज़र आ जाए। और मैं इसको रन करके देखूँगी मेरा वीडियो अब कैसा नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम इनशॉट के फीचर्स में देखें कि वो हमें क्या क्या देख रहा है, वो हमें म्यूज़िक दे रहा है, स्पीकर दे रहा है, हमें टेक्स्ट की फैसिलिटी दे रहा है, हमें फिल्टर दे रहा है, प्रीकट दे रहा है, स्प्लिट दे रहा है, डिलीट का ऑप्शन, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड यानी कि आप ब्लर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और बैकग्राउंड क्योंकि ये देखिए यहाँ पे उसने दिखाया किस तरह का बैक पेन ही जाएगा, आप एग्जैक्ट वाइट रखना चाहते हैं ब्लैक, क्योंकि हमें इतनी डिज़ाइनिंग वीडियोस में नहीं करनी होती हैं, तो हम इसका बैकग्राउंड उसी के अकॉर्डिंग ब्लर में थोड़ा कर देंगे, सॉरी, और ये हमारा वीडियो हो जाएगा। अब इस वीडियो को साथ साथ आपने रन करके देखना है कि मेरा वीडियो नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके बाद ये सिर्फ इनशॉट का ट्यूटोरियल है। मैं आपको वीडियो अब सिखाऊंगी कि वीडियो को मैंने आगे जाके कैसे प्रॉपर शूट करने के बाद अपनी वीडियो को एक प्रॉपर वीडियो में कन्वर्ट किया। यहाँ पे स्पीड है, आप अपनी वीडियो की स्पीड जहाँ जहाँ पे जिन शॉर्ट्स में देना चाहें वो दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी फ्यू वीडियोस में दी होती है। आप की वॉइस वॉल्यूम बैक 100 कर लें अगर आप करना चाहते हैं, सारी इसमें होती हैं। इफेक्ट्स के अंदर हम आएंगे, कोई हमारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें लगाना चाहें हम उसमें रिवर्स के ऑप्शन दे सकते हैं, रोटेट के दे सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा इनशॉट का एक ट्यूटोरियल। अब हम प्रॉपर एक वीडियो करेंगे और आपने उसको मुझे फॉलो करना है कि मैंने उसको कैसे किया। ठीक, ये तो था हमारा इतना सा वीडियो। अब लेट्स सपोज इसी वीडियो को मुझे एडिट करना है तो वो मैं कैसे करूँगी। एग्जांपल के तौर पे ये मेरा था कवर, कवर के बाद जैसे ही वीडियो चलता है ये आपको स्क्रीन फ्रेम शो करता है, ये आपका वन फ्रेम है, ये आपका टू फ्रेम है, और एंड करने के लिए हम एक और फ्रेम डाल देंगे विच विल बी ऑप्टिमल्स का फोटो। ठीक है, और इसको फिर आप प्ले करें जितना खेल खेल सकते हैं। इस पिक्चर के ऊपर हम इसको, मुझे लगता है थोड़ा सा इस पे फिल्टर ऐड अप कर देना चाहिए। ये इफेक्ट्स हैं, आप लगा के देखें कैसा लग रहा है, कैसी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, ये अनलॉक ऑल फीचर्स होते हैं ना, ये पे करने पड़ते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो हैं इस तरह के जिसमें देखें अनलॉक नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं करूँगी वो कहेगा अनलॉक फीचर्स के लिए पे करना पड़ता है, तो आप ये भी इसमें एडअप कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी इफेक्ट्स नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर दूँगी। मुझे ब्राइटनेस थोड़ी कम चाहिए, वो मैं एडजस्ट कर लूँगी, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और अगेन ये थ्री फ्रेम्स में हमारी वीडियो हो जाती है। वीडियो थ्री फ्रेम्स में हो जाने के बाद यहाँ पे अब आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ विच इज़ कॉल्ड नाउ अ डेज ट्रांजिशन। ये बिल्कुल छोटा सा, अगर आप स्क्वायर देखें इस लाइन से आगे, ये आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको ये ट्रांजिशन में ले जाएगा। ट्रांजिशन मीन वन सीन से आप उसको चेंज करना चाहें इन डिफरेंट, तो आप कर सकते हैं। बेसिक हमें इन शॉर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा होता है, बाकी सब हमें इन शॉर्ट ट्रांजिशन दे रहा है, वो पेड दे रहा है। सो आप स्टार्टर के लिए इन शॉर्ट का ये डिजोल्विंग पार्ट है, आप इसमें से ट्रांजिशन को देखेंगे कौन सी ट्रांजिशन आपकी वीडियो के लिए बेहतर है सीन को कन्वर्ट करने के लिए। लाइक यहाँ पे वो आपको शो करेगा कि हाउ इट लुक्स लाइक, आप कैसे कर सकते हैं। ये लाइन आपको दिखाएगी ट्रांजिशन की डिटेल, कितनी फास्ट तेजी से वो आपको करती है ये उसमें आएगी। हम हमेशा इसको मीडियम ही रखते हैं ताकि कोई इतनी फास्ट सीन्स हमें अभी नहीं चलाने, क्योंकि हम वीडियो का प्रोडक्ट शूट कर रहे हैं तो वीडियो के लिए हमें बैक रिकॉर्डिंग चाहिए होती हैं।
जो कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। अभी ये कंप्लीट इन शॉर्ट का एक ट्यूटोरियल है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारा हो गया ट्यूटोरियल खत्म। सेम अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, आप इस पे टेक्स्ट मेंशन करेंगे, टेक्स्ट मेंशन करते हैं तो आपको डिफरेंट फीचर्स देता है। आपको वो पूछता है बॉर्डर चाहिए, इसका शेड आपको करना है, इसको लेबल करना है, यानी कि जो पीछे आपने देखा होगा वीडियोस में चीजें आ रही होती है उसके टेक्स्ट क्लियर करने हैं, फॉन्ट का आपको किस तरह का फॉन्ट चूज करना है, उसको सेंट्रलाइज करना है, राइट एंगल करना है, लेफ्ट एंगल करना है, उसको एनिमेटेड में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप वो करते हैं। एनिमेटेड मोस्टली आप कवर्स एंड एंडिंग पार्ट पे यूज करते हैं, लेकिन जब आपको बीच में लिखना है वीडियो के लाइक इस पे अगर आपको लिखना है ऊपर, जैसे मेरे पेज का नाम फैशनिस्टा फैशनिस्टा लिख लें, या लाइट्स अपने साइड पे नाम लिखना है वो लिख लें, और वो आप कर सकते हैं, और इसको देन फिक्स आप अपनी वीडियो में पिंच इन आउट करके कर सकते हैं, और इस तरह आपका एक वीडियो प्रिपेयर हो रहा होता है। फिर लास्ट में जब आप कर रहे होते हैं आपको एक करने से मजीद चीजें आ जाती हैं, और एंड पे आप अपने नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा जो कंप्लीट एक मेरी बनी होगी, और गौर करिएगा मैंने किन किन चीजों को प्रेस किया, उन्हीं को आपने करते हुए अपने वीडियो को बनाने की ट्राई करनी है। और फिर जब आपकी एक पूरी वीडियो प्रिपेयर हो जाती है आप इसको सेव करते हैं। सेव में वो आपसे रेजोल्यूशन पूछता है, हम रेजोल्यूशन हमेशा हाई रखें, दैट इज सिलेक्टेड, और उसको सेव कर दें। अब ये हमारा सिलेक्ट होना स्टार्ट हो गया है, क्लोज, ये एड बीच में आएंगे और ये कन्वर्ट वीडियो होके आपके फोल्डर में चली जाएगी। जैसे ही फोल्डर में जाएगी, योर वीडियो इज नाउ रेडी टू अपलोड एनीवेयर एवरीवेयर, वेदर यू आर ऑन इंस्टाग्राम, वेदर यू आर ऑन फेसबुक, वेदर यू आर ऑन ट्विटर, मेक श्योर यू नीड टू सिलेक्ट द कैनवस साइज एंड योर वीडियो क्वालिटी शुड बी मोर हाई इन रेजोल्यूशन। अपने जब भी वीडियो को करना है शॉर्ट, अपने लाइट के एंगल्स, लाइटिंग का ख्याल रखें। अगर घर पे लाइटिंग स्टार्ट में आप बिगनर हैं, आई वुड सजेस्ट डे लाइट में अपने घर में करें, और जैसे जैसे आप इसमें काम करते जाते हैं मोस्ट आप इसमें एक्सपर्ट होते जाते हैं। इन शॉर्ट इज वेरी फ्रेंडली, इजी टू यूज, और अगर आप इसका पेड वर्जन कर लेते हैं तो इन शॉर्ट आपको मजीद फीचर्स भी देता है, और इन शॉर्ट में आप इंजॉय कीजिए और अपनी वीडियोस को एडिट करना स्टार्ट कीजिए।